दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुमी अलावत। आप लोगों का स्वागत है सुमी अलावत यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बनाते हैं तरबूज का जूस। क्यों नहीं हम तरबूज का जूस बनाएं, क्योंकि हम तरबूज को कट करके मतलब सलाद में भी खाते हैं। तो आज इसका हम सोचे कि तरबूज का जूस ही बना लें, और ये जूस हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है, क्योंकि हमें एक ठंडक भी देता है, और दूसरी बात ये है हमें फ़ायदा भी मिलता है इससे। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट छोटा सा करके ज़रूर जाना। तो चलिए, और मैं इसको सबसे पहले इसको बीच से मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि फुल जो तरबूज है इसका जो शरबत होएगा वो ज़्यादा बन जाएगा। और इसको हमें अभी बीच बीच से छोटी छोटी फाड़ कर लेनी है, और जो गुद्दा है हमें इसका रेड वाला ये निकाल लेना है, और ये वाला हमें छोड़ देना है। इसको साइड में रख देते हैं। आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करना। तो अभी मैंने इसको बीज से कट कर लिया है, और जो इसके ये बीज वगैरह है मैं ये नहीं हटाऊंगी, ये भी मैं इसको साथ में पीसूं, क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। तो मैं तरबूज काट कट के कर लिया मैंने तैयार, और इसमें मैं डालूंगी इधर मेरा 2 से 3 चम्मच काला नमक है, और एक नींबू है, और उधर पुदीना के पत्ते हैं। पुदीना आप लोग ज़रूर डालना, पुदीना डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैं डाल देती हूँ इसको जार में। आप इसमें आइस भी डाल सकते हो, बर्फ वगैरह होती होगी, अगर आपको ठंडा चाहिए तो आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ ये बर्फ के टुकड़े, ताकि ये जो जूस हमारा ये ठंडा बन जाएगा, हो जाएगा, पीने में भी टेस्ट आएगा। अब डाल देती हूँ मैं इसमें ये काला नमक। अब डाल देती हूँ मैं इसमें ये पुदीना कट किया हुआ, और मैंने अच्छे से साबुन से धोया है बर्तन साफ करने वाले से, क्योंकि हम इसको अभी ही लेके आए हैं। साबुन और नमक से मैंने ये धो दिया था अच्छे से। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये नींबू एक नींबू। अभी मैं चला देती हूँ इसको मिक्सर को निकालने के लिए। तो अभी मेरा तरबूज वाला जूस था जो ये बन के हो गया तैयार। अभी मैं इसको लेती हूँ छान छलनी से, ताकि जो इसमें मैंने पुदीना वगैरह डाला था वो और नींबू डाला था वो उसका जो कचरा है वो निकल जाएगा बाहर, और जो जूस है वो बर्तन में आ जाएगा। तो आप लोग एक बार इस तरबूज के जूस को जरूर ट्राई करना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, और तरबूज तो वैसे भी हम खाते ही हैं। तो अभी मैंने अपना जो तरबूज का जूस था ये मैंने छलनी में से छान लिया अच्छे से। अभी मैं इसको ग्लास में सर्व कर रही हूँ। आप इसको जूस शरबत भी बोल सकते हो, और ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्ती,
सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी, धनिया की पत्ती नहीं पुदीने की पत्ती। ये अभी मैं डाल देती हूँ पुदीने की पत्ती। पुदीना डालने से इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। मेरे बच्चे हंस रहे हैं, इतने बदमाश हो रहे हैं। तो बस यही थी आज की मेरी छोटी ही वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरी वीडियो पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन में जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो आप तक पहुँच जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।